नमस्ते। तो हमारे इस वीडियो में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूँ पहाड़ के अंदर, यानी कि आज मैं पहाड़ के अंदर हवन के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए आया था। तो मेरे पास है ना एक ढाक का पेड़ है जिसकी लकड़ी हवन के अंदर यूज की जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार का ये होता है। और इसको ही हवन के अंदर क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके दहन करने पर ये हमारे जो एनवायरनमेंट होता है यानी कि जो पॉल्यूशन फ्री हो जाता है, और जितने भी बैक्टीरिया है जैसे वायरस आदि, जितने एरिया के अंदर इसका जो धूम्र होता है यानी कि इसका जो धुआं होता है वो जाता है, तो पॉजिटिव वेव्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। इसलिए हमारे जो ऋषि आदि थे उन्होंने हमारे वेद शास्त्रों के अंदर जितने भी प्रकार के पेड़ लिखे वो ऐसे लिखे जिनसे विषाक्तता नहीं फैलती, यानी कि जिनके दहन करने से। और सूखी लकड़ियों का हवन के अंदर प्रयोग किया जाता है, कोई इस प्रकार की दूसरी यानी कि अन्य तरह की कोई लकड़ियों को यूज नहीं किया जाता। ये स्पेशल ढाक की लकड़ियाँ हैं जिनको हवन में प्रदूषण से बचने के लिए और घरेलू समस्याओं से निजात पाने के लिए, और मतलब जो हवन कराया जाता है उनमें इन लकड़ियों को, हमारे यहाँ पर गांव के अंदर बहुत समय से प्रचलन है कि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर आम तो क्योंकि यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि आम की यहाँ ये जो ज़मीन नहीं है, और पीपल आदि ऐसे पेड़ बहुत कम मात्रा के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, और ढाक के पेड़ तो इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, इसलिए सबसे अच्छा होता है ढाक। और इसका जो पत्ता होता है, इसकी जो लकड़ियाँ देखने में भी अत्यंत सुंदर होती है, ये इस प्रकार से जो ढाक की लकड़ी है उसको हम हवन के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं पहाड़ के अंदर आया हुआ हूँ तो आपको मैंने इस ढाक का पेड़ को यानी कि इस पेड़ के दर्शन करा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि जो पलाश होता है ढाक किस प्रकार का होता है। तो ये मेरे पास जो आप देख रहे हो यानी कि इसके देखो पत्ते भी देख सकते हो आप, ये ढाक का पेड़ है, यानी कि आपको समझ में भी नहीं आया, कहीं ढूंढ रहे हो तो अगर आपको मिले तो इसके नीचे जो ये क्या है कि सीजन के साथ इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है, ये अपने आप मतलब कि लकड़ियों को छोड़ देता है। जब इसको लकड़ियों की ज़रूरत नहीं होती तो ये अपने आप ही लकड़ियों को छोड़ देता है और वो हमारे हवन के लिए यानी कि काम यूज आ जाती है। बाकी अगर आपको मान लीजिए ढाक के पेड़ की लकड़ी ही बनानी है तो इसका जो साइड के जो भाग होते हैं यानी कि जो पेड़ के अतिरिक्त जितने भी भाग होते हैं चाहे वो गीले हो, उनको थोड़ा थोड़ा सा ना रफ करके काट करके उनको आप सुखा करके फिर भी उनको यूज कर सकते हो। पूरे पेड़ को नहीं काटना है, यानी कि अगर आप पूरे पेड़ को काटोगे तो उसका पाप लगता है। आपको क्या करना है, इसके साइड का जितना भी भाग होता है ना, इसके पत्तों को भी हम यूज कर सकते हैं, इसका जो साइड का जो भाग होता है उसको लेकर के इसको काट करके और फिर उसको सुखा करके, जब वो पूरी की पूरी गीली मतलब ये समिधाएं जब वो सूख जाती है तो उन समिधाओं को प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप ढाक की लकड़ियों को हवन में हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रकार की लकड़ी हवन के लिए यूज की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो यही ज़्यादातर यूज की जाती है क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं आपको अगर आपको मैं फ्रंट करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पूरे पहाड़ के अंदर ढाक के कितने सारे पेड़ लगते हैं, उनसे हम हवन के लिए लकड़ियाँ अर्जित कर लेते हैं यानी कि इकट्ठी कर लेते हैं। अभी मैं आपको फ्रंट ऑन करके दिखाता हूँ तो कितनी प्रकार की और कैसे कैसे मतलब कि ये ढाक के कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़े बड़े ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, मतलब कि ये जो ढाक का पेड़ है और ये पूरा का पूरा नीचे ज़मीन तक फैला है, तो ये एक ऐसा पेड़ है जो नीचे तक लगा हुआ है। फिर यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यानी कि पहाड़ के अंदर, आप देख सकते हो एक पेड़ ये लगा हुआ है, यानी कि दूसरा पेड़ ये है जो ढाक का जो हवन में यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ से दिखाई नहीं देंगे, और अभी मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ जहाँ पर यानी कि ढाक के पेड़ होते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ढाक के पेड़ लगे होते हैं। अगर आपको आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही होगा ना तो फिर भी मैं आपको आवाज़ थोड़ा सा स्पष्ट करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि एक पेड़ ये लगा हुआ, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ये देखो ये ढाक का पेड़ है, लेकिन ये उस पेड़ से थोड़ा सा ना बड़ा पेड़ है, यानी कि गांव में रहने वाले तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बाहर जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखते हैं, ये थोड़ा देखो मेरा फ़ोन से भी ज़्यादा ऊपर आ जाता है। तो यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ये यहाँ पर लगे हुए पेड़ ये इस प्रकार से, यानी कि यहाँ ये फिर वो आगे लगे हुए, तो बहुत सारे ढाक के पेड़ लगे हुए। तो मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो बना करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे हवन में प्रयोग किए जाने वाले पौधे हैं, देख सकते हो आप इस प्रकार से हवन के पौधे यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जो मैंने वीडियो शूट की है, यहाँ पर बहुत सारे हवन के लिए यानी कि जो पेड़ किए जाते हैं, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ हैं यानी कि ढाके जो हवन के लिए यूज़ करते हैं। तो हवन के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, हवन के ऊपर हम देख रहे हैं कि भाई उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम पेड़ों का कुछ भाग हिस्सा हवन के लिए ले लेते हैं और बाकी का उसके लिए छोड़ देते हैं। तो ये हवन के यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ, तो इनको लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि हमको पता भी लगे भाई किस प्रकार की लकड़ी और सूखी लकड़ियाँ पेड़ की लेनी, गीली लकड़ियाँ पेड़ की नहीं लेनी। तो इस प्रकार से हमने ये लकड़ियाँ यहाँ से काट ली। तो हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.